इसका मसाला भूनते हुए आलू डाल देंगे, फिर इमली डालेंगे। ऑलराइट, सारे मसाले बस चले जाएंगे सिवाय इमली के, और बाकी तो दूध और जर्दे का रंग है वो जो एंड में जाना दम के टाइम पे। तो ये है मसाले। आपा, हमने आलू को पहले स्टीम किया फिर फ्राई किया ताकि प्रॉपर अच्छे से गले, क्योंकि गोल है, हाफ कट किया हुआ है आलू, क्योंकि टाइम लेता गलने में, लेकिन फ्राई भी ज़रूर करें। फ्राई करके इसकी शक्ल अच्छी हो जाती है, आपसे वहाँ पर टेस्ट में भी फ़र्क आता है ना। अब नमक, अब जाएगा इसमें हसबे जायका नमक। देख ले हरी मिर्ची, बस आपा अब कुछ ऐड करी। ठीक है जी, तो ये है इसका प्रॉपर मसाला जो कि आपा भूनेंगी इसको अच्छे से और इस तरह से तैयार करेंगे आलू की अचारी, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी। अब बस बिरयानी की वो लेयर, वो तमाम चीज़ें जो कि हर बिरयानी में अच्छा, होती है वो हमने ये कर लेते हैं। तुम जब ब्रेक ले रही हो ना जी, इमली का रस भी डाल देते हैं ताकि ये पक जाए, पूरा तैयार हो जाए, फिर हम इसको ब्रेक के बाद दम करेंगे। ठीक है, वो लेयर लगाएंगे और तमाम चीज़ें। अब मज़ीद फ़िलहाल कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही है, बस दम पर माल्टा वनस्पति डाल के इसकी और खुशबू को बढ़ा देंगे, मज़ेदार कर देंगे। हमने आपसे सवाल किया खुशियों, आपने मिर्चों की तीन इकसाम बता रही हैं, क्योंकि जी आपको एनिक्स का पिज्ज़ा पैन मिल रहा है, तो इसके लिए सिविस या कॉल कीजिए। ब्रेक ले रहे हैं और फिर जल्दी से आपको ज्वाइन करते हैं फिर बिरयानी, जो कि थोड़ी सी डिटेल देंगे वो शेयर करेंगे। अचारी आलू की बिरयानी। अच्छा, आलू आधा किलो, बारीक कटा पुदीना एक गच्छी, बारीक कटे टमाटर दो अदद, बारीक कटी प्याज चार अदद, लीमू चार अदद, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च आठ अदद, जर्दे का रंग थोड़ा सा, ताज़ा दूध एक प्याली, तेलिया घी एक प्याली, इमली का गाढ़ा रस आधी प्याली, चावल ढाई प्याली, कुटी काली मिर्च एक चाय का चमचा, कलौंजी एक चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चमचा, भुना और पिसा सफेद जीरा एक खाने का चमचा, साबित धनिया एक खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। चावल उबालने के लिए हरी मिर्च तीन अदद, काली मिर्च चार अदद, छोटी इलायची चार अदद, बारीक कटा पुदीना चंद पत्ते, नमक हस्बे जायका। अचारी आलू की बिरयानी। अच्छा, आलू आधा किलो, बारीक कटा पुदीना एक गच्छी, बारीक कटे टमाटर दो अदद, बारीक कटी प्याज चार अदद, लीमू चार अदद, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च आठ अदद, जर्दे का रंग थोड़ा सा, ताज़ा दूध एक प्याली, तेलिया घी एक प्याली, इमली का गाढ़ा रस आधी प्याली, चावल ढाई प्याली, कुटी काली मिर्च एक चाय का चमचा, कलौंजी एक चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चमचा, भुना और पिसा सफेद जीरा एक खाने का चमचा, साबित धनिया एक खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। चावल उबालने के लिए हरी मिर्च तीन अदद, काली मिर्च चार अदद, छोटी इलायची चार अदद, बारीक कटा पुदीना चंद पत्ते, नमक हस्बे जायका। जी वेलकम बैक। ओप्स, मुझे आवाज क्यों नहीं आई। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि छुरियां तेज कैसे होती हैं। छुरियाँ तेज़ करने का काम बिल्कुल भी नहीं है मेरा, ना छुरी चलाने का है। अच्छा जी, आते हैं रेसिपीज की तरफ। एक तरफ है जी मुर्ग छोले जो कि बन रहे हैं अभी, आपने कहा इनको मज़ीद थोड़ा पकने देते हैं। दूसरी तरफ आपके सामने तैयार हो रहा था इसका मसाला बिरयानी का, जो कि आलू और तमाम अचारी मसाला आपके सामने गया था, इमली भी हमने जाते जाते डाल दी। एक काम जो ब्रेक में हुआ वो ये है, पैन में माल्टा कुकिंग ऑयल थोड़ा लिया, और आपा कितने टमाटर, चार टमाटर, चार अदर टमाटर जो बारीक चॉप किए हैं वो आपा ने डाल दिए। अब जब वो थोड़े से फ्राई हो जाएं तो इस मसाले में आप डाल सकते हैं जो आलू का अचारी मसाला तैयार किया है आलू के साथ, आलू का अचारी। बस ये हो गए, अब इसमें बाकी हरी मिर्ची और पुदीना, दो नींबू हमने डाल दिए इसके अंदर, एक बल्कि एक नींबू डाला, और ये हरा धनिया, ये पुदीना,
ये इसके अंदर डालेंगे, अब ये तैयार है। अब हम बड़ी देगची लेते हैं, उसके अंदर तह लगाते हैं। ठीक है, ये फ्राई किए हुए टमाटर चले गए, लेमन जूस जा रहा है, और अब है ये जिसमें हम दम लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया है। अपा स्पेस ही नहीं है, ये हटा दी। हाँ, ये हो गया है। ठीक है, डन, मसाला तैयार। अब अच्छा, लेयर के लिए सबसे पहले माल्टा कुकिंग ऑयल चाहिए आपको। इसको इधर रखते हैं। अब इसके ऊपर तुम बेटा तवा रख लो ताकि गर्म हो जाए। नहीं, यहाँ लेयर लगाती हूँ। आप अब इतनी वहाँ लगाएंगी, थोड़ा सा परेशानी होती है। नहीं नहीं, मैं इधर लगा रही हूँ। आपको इधर लगानी होगी। अच्छा, इधर लगा लेते, मैं मसाला इधर कर देती हूँ आपकी तरफ। नहीं नहीं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, मसाला तो एक ही साथ डालना है ना। ठीक है, बारी बारी थोड़ी डालनी। अब इसके अंदर तुम थोड़ा सा माल्टा कुकिंग ऑयल, ग्रीस करने के लिए हमें चाहिए होगा, और फिर ऊपर से तो माल्टा वनस्पति डालेंगे, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार करी, क्योंकि उसका खुशबू, जायका, टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो ग्रीसिंग के लिए इस्तेमाल करना हो, या फिर फ्राइंग, या फिर सालन खाने बन रहे हों, तो माल्टा कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति से बेहतर कुछ नहीं। हेल्दीस्ट चॉइस है आपकी फैमिली के लिए माल्टा कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का, क्योंकि हमारे खाने ऑयल के बिना नहीं बनते हैं, उनके बिना अधूरे हैं। तो जब भी इस्तेमाल करें तो बेस्ट क्वालिटी का कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि माल्टा कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति। अच्छा, ग्रीस हो गया। अब सबसे पहले सेकेंड लेयर बल्कि हुई राइस की। क्या अच्छे चावल है ना। तो ये हो गए। अब सारा बड़ा चटपटा सा मसाला लग रहा है मुझे, ये आलू का ये जो सारा अचार ही तैयार हुआ है। छुरी से आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी वो कर सकते हैं, सिर्फ खा सकते हैं ना, सालन तैयार कर लें अचारी आलू का। आपने कहा लेमन कट कर दूं, तो ये है कट। अब मसाला जाएगा इसमें, मसाला बचा भी लेंगे, बहुत बन गया। अच्छा, थोड़ा सा मसाला रोची के साथ सर्व कर ले, और वो तो मुझे लग रहा है देख तैयार हुई है ना, इतनी सारे मुर्ग छोले तैयार हो रहे हैं। आपा क्या अच्छा कलर है, जबरदस्त सा। ठीक है जी, तो ये हो गया सारा मसाला। थोड़ा सा ऊपर डालेंगे आप, ये अभी सारा टमाटर वाला ऊपर डालेंगे। ओके, देखिए बिरयानी ये नहीं है कि सिर्फ गोश्त की बिरयानी बनेगी तो ही अच्छी बनेगी, यहाँ सब्ज़ी की भी आप बहुत अच्छी बना सकते हैं बिरयानी, और एक ऐसी सब्ज़ी जो कि हर टाइम आपको बड़े आराम से मिल जाती है, आलू की बिरयानी, वो भी अचार ही, ज़बरदस्ती। ब्रेक लेना है, ओ चल क्या करें आपा, ले लें ब्रेक, ले ले ले, ये वाला काम तो वो है जो हमेशा आपा बताती है, तो पड़ेगा। हाँ, मुश्किल नहीं, प्याज डलेगी, पुदीना डलेगा, नींबू डलेगा। ये हो गई फ्राई की हुई प्याज, ये बाकी के बचे राइस, और हमने टॉप पर डालना है जो कि आपने भूलना नहीं, और वो है माल्टा वनस्पति। ज़रूर डालिएगा, जैसे कि आपा बटर बताती है दम पे डालने के लिए, और उसकी खुशबू, उसका टेस्ट मज़ेदार हो जाता है। थोड़ा सा ही जाता है लेकिन बड़ा अच्छा टेस्ट रहता है। इस तरह से आप माल्टा वनस्पति डाल सकते हैं। ले लें आपा, क्या करें ब्रेक, ये हमारे पास एक आध मिनट है। सुलेमान क्या करें, ले लो बेटा। चलें ठीक है, फिर ले लेते हैं ब्रेक। ऑल राइट, तो ये फिर जो बाकी डिटेल होगी वो वापस आके आपके साथ शेयर कर लेंगे, और आई एम श्योर कि आपको सारी डिटेल समझ आ जाएगी। अब जी हम जाते हैं ब्रेक पर, ताकि आप लोगों को जल्दी से ज्वाइन कर लें, और रेसिपीज फिर जो डिश आउट होंगी वो आपके सामने सर्व करेंगे। अचारी आलू की बिरयानी। अच्छा, आलू आधा किलो, बारीक कटा पुदीना एक गट्ठी, बारीक कटे टमाटर दो अदद, बारीक कटी प्याज चार अदद, लीमू चार अदद, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च आठ अदद, जर्दे का रंग थोड़ा सा, ताज़ा दूध एक प्याली, तेलिया घी एक प्याली, इमली का गाढ़ा रस आधी प्याली, चावल ढाई प्याली, कुटी काली मिर्च एक चाय का चमचा, कलौंजी एक चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चमचा, भुना और पिसा सफेद जीरा एक खाने का चमचा, साबुत धनिया एक खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। चावल उबालने के लिए हरी मिर्च तीन अदद, काली मिर्च चार अदद, छोटी इलायची चार अदद, बारीक कटा पुदीना चंद पत्ते, नमक हस्बे जायका। तरकीब, पहले आलूओं को उबालें और छील कर क्यूब्स बनाएं, अब इन्हें गर्म तेल में डीप फ्राई करके निकाल लें,
फिर बारीक कटी प्याज को गोल्डन ब्राउन करके निकालें और इसी तेल में आलू, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, भुना और पिसा सफेद जीरा, कलौंजी, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा पुदीना, नमक और इमली का गाढ़ा रस मिलाकर हल्की आंच पर दम पर रख दें। उसके बाद बारीक कटे टमाटर अलग से हल्का सा तलें और आलूओं पर डाल दें। फिर लीमू का रस डाल के दम पर रखें। अब चावलों को बारीक कटा पुदीना, हरी मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, नमक और पानी के साथ दो कनी उबालें और पानी निथार लें। उसके बाद चावलों वाली देगची में जरा सी चिकनाई लगाकर आधे चावलों की तह लगाकर आलू फैलाकर डाल दें। फिर तली हुई प्याज आधी कुचलकर शामिल करें। अब बाकी चावल और ताज़ा दूध में जर्दे का रंग मिलाकर ऊपर डालें। उसके बाद पुदीना और लीमू का रस डाल के दम पर रख दें। जब भाप ऊपर आ जाए तो मजेदार अचारी आलू बिरयानी दही के रायते के साथ सर्व करें। अचारी आलू की बिरयानी। अज्जा आलू आधा किलो, बारीक कटा पुदीना एक गट्ठी, बारीक कटे टमाटर दो अदद, बारीक कटी प्याज चार अदद, लीमू चार अदद, लंबी बारीक कटी हरी मिर्च आठ अदद, जर्दे का रंग थोड़ा सा, ताज़ा दूध एक प्याली, तेलिया घी एक प्याली, इमली का गाढ़ा रस आधी प्याली, चावल ढाई प्याली, कुटी काली मिर्च एक चाय का चमचा, कलौंजी एक चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चमचा, भुना और पिसा सफेद जीरा एक खाने का चमचा, साबित धनिया एक खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। चावल उबालने के लिए हरी मिर्च तीन अदद, काली मिर्च चार अदद, छोटी इलायची चार अदद, बारीक कटा पुदीना चंद पत्ते, नमक हस्बे जायका। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर हमारी एक रेसिपी तो डिश आउट हो चुकी है, वो है जी मुर्ग छोले, जो इतनी मज़ेदार लग रही है, बहुत ही बेहतरीन तैयार हुई और ऊपर से अदरक और आपने डाला हरा धनिया, उसे सर्व कर दिया। रायता तैयार है, रायता इंतज़ार में है कि कब मेरे साथ की डिश आ जाए और मैं उसके साथ अच्छा लगूंगा। बिरयानी जो कि दम हो रही है, इस तरह से शक्ल दिखा रहे हाँ, अभी थोड़ा सा दम रह गया इसका, थोड़ा सा है क्योंकि जब तक भाप ऊपर नहीं आएगी तो चावल सही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जब तक मैं सवाल का जवाब बताती हूँ और विनर बताती हूँ। हमने सवाल किया था मिर्चों की कोई भी तीन इकसाम बतानी है, तो मिर्चें तो बेतहाशा होती हैं, ड्राई वाली लंबी मिर्च होती है, थाई वाली मिर्च होती है और ग्रीन चिली, कैप्सिकम और तलहार मिर्च और बहुत सारी मिर्चें होती हैं। पर जो विनर है जबरदस्त सा एनेक्स का ही जो पिज्जा पैन जा रहा है, वो जा रहा है सैयद इफ्तखार अली, नाम है आगे पूरा सैयद इफ्तखार रावलपिंडी से। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक, और ये जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। हरगिज मत सोचेगा आज विन किया कल पहुंच जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमारे पूरी चैनल या टीम को कि वो 4 to 6 weeks तक प्लीज़ इंतज़ार किया करें। तमाम विनर्स एकदम से ना सोचा करें नहीं आया तो क्या करेंगे। अच्छा वाइंड अप, ओ, ओ, आपा इसे डिश आउट नहीं, चलें जी हम आपको ऐसे लास्ट में फाइनल शॉट दिखा देंगे, थोड़ी देर में डिश आउट करेंगे और फिर जी सब खाएंगे, एंजॉय करेंगे। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।